हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना गांजवानी। तो मैं आज सिंपल सब मेकअप शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। ये आप वैलेंटाइन वीक के लिए कहीं पे भी रेडी हो रहे हैं या फिर बहुत जल्दी से आपको दो तीन चीज़ों में फटाफट से रेडी होना है, तो ये उन लोगों के लिए है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने दोनों आईज पे अपने कोरल शेड फिल कर लिया है। उसके बाद आप कोई भी कलर से या फिर ब्राउन शेड से आप अपनी आईब्रोज फिल कर लीजिए। बहुत नेचुरल सा मेकअप होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना क्रायलॉन का बेस ले रही हूँ 29, बट ये मैं इसलिए ले रही हूँ अभी मेरे पास कोई बीबी क्रीम अवेलेबल नहीं है। नहीं तो आप फेस केक भी ले सकते हैं, केक पाउडर भी ले सकते हैं, ये एलेटीन का। मैं यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। अगर आपके पास कोई फेस पाउडर या केक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके फेस पे कोई मार्क्स नहीं है। मुझे थोड़ा हाइड करना पड़ेगा, मैं बीबी क्रीम की जगह इस बेस को लेके इसमें मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। कोई भी आपका डेली यूज़ का बेस है, उसको आप बीबी क्रीम की तरह कैसे यूज़ करें, उस बेस को थोड़ा सा आप एक बाउल में या फिर कोई प्लेट में ले लीजिए। उसमें अपना डेली मॉइस्चराइज़र, जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, मैं ये मिक्स करने जा रही हूँ, हल्का सा उसे लेकर उसमें मॉइस्चराइज़र मिक्स करके उसे मिक्स कर लीजिए। ये आपकी बेबी क्रीम रेडी हो गई, क्योंकि हमें बहुत हल्का सा बेस चाहिए, उसमें हमें कुछ हाइड नहीं करना, बहुत हल्का सा बेस। इसको ले लिया है मैंने मिक्स करके बेस के साथ थोड़ा सा, उसको हम ब्रश से डैब डैब कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये बहुत हाई कवरेज नहीं चाहिए, बहुत लाइट सा मैं कर रही हूँ। अगर किसी के पास बेबी क्रीम नहीं है, इमरजेंसी में आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने हेल्प ऑफ ब्रश से पूरा मॉइस्चराइज़र में जो मिक्स किया था बेस, वो मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया अपनी स्किन पर अच्छे से। अब मुझे यहाँ पर अपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए मैं यहाँ पर अपना कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको डार्क सर्कल हैं तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका फेस ऐसे ही ब्लेंडेबल लग रहा है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे काफ़ी मार्क्स हैं फेस पे, मैं हल्का सा उनको हाइड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। ये NYBA का है, नंबर 01। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगी, NYBA का है ये। तो इसको भी आप हेल्प ऑफ स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, डैम स्पॉन्ज से ब्लेंड कर लीजिए इसे आप। सो वी आर डन विद आर बेस। मैं एलेटीन का कॉम्पैक्ट यूज़ करने जा रही हूँ, जिसका नंबर है, इसका नंबर मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, हाँ 04 कोरल इसका नंबर है। तो अगर आपको कोई कॉम्पैक्ट से आप सील करेंगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ अपने अंडर आई जहाँ मैंने कंसील करा था वो करूँगी। नहीं तो अगर आप बीबी क्रीम यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर कोई भी केक यूज़ कर सकते हैं। मैं फुल फेस नहीं करूँगी, सिर्फ मैं अपने कंसीलिंग एरिया को कंसील कर रही हूँ। आप इसमें दिए हुए स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं और अलग से भी, अगर कोई पाउडर ब्रश है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यस, वी आर डन आर बेस।
आपने देखा मैंने कोई बहुत ज़्यादा बेस यूज़ नहीं किया, बिकॉज ऑफ मेरे को आई डार्क सर्कल है इसलिए मुझे कंसीलर की हेल्प लेनी पड़ी। आप अभी से ही देख रहे हैं कितना फ्रेश लुक लग रहा है। ये थोड़ा मुझे आपको बताने में देर हो रहा है, नहीं तो ये 10 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट का है जो मैं मेकअप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आप अपने काजल फिल कर लीजिए अच्छे से। ये लोटस का काजल है, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, ये अपने मेकअप में मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा काजल है लोटस हर्बल का। अब हम काजल अप्लाई कर लेंगे। ये मैं ऑफ कैमरा करूँगी बिकॉज ऑफ मैं ट्राई कर रही हूँ फिर भी। नेक्स्ट हम मस्कारा लगा लेंगे, जो फॉल आउट हुआ है वो भी आप क्लीन कर लीजिए। मैं लोटस का लोटस मेकअप हर्बल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। एक्स्ट्रा है तो इसे निकाल लीजिए, आप आईज पे लगाने के बाद निकाल लें तो कोई मैटर वो नहीं है, ज़्यादा फैल जाएगा इसलिए बॉटल से ही इसे निकाल लीजिए। दोनों आईज पे फॉल आउट हो, अच्छे से मैंने मस्कारा लगा लिया है। मैं बहुत पतला सा लाइनर यूज करूंगी यहाँ पर। ये मैं पेन लाइनर ले रही हूँ एन कलर का, इन कलर का पेन लाइनर लेकर इसको मैं बहुत पतला सा ड्रॉ कर लूँगी। आप अपने ये स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइनर ड्रॉ कर लिया है, बहुत ही थिन लाइनर मैंने लगाया है। आप देख रहे हैं वैसे बहुत फ्रेश लुक लग रहा है। तो ये हम डे में भी कैरी कर सकते हैं। आप कोई लाइट कलर का लिप शेड या अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं कोरल कोरल, ये मेरे पास लिप लाइनर है उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिप के लिए। पर मैंने ये लिप लाइन यूज़ करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा ग्लॉस फिल कर रही हूँ। ये लिप शेड में ग्लॉस या फिर आप अलग से कोई ग्लॉस मिक्स कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कोरल सा शेड हो गया। तो या हल्का सा ब्लशर भी ऐड ऑन कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट, अगर आपको थोड़ा सा रोजी चीक्स पसंद है तो। या मैं थोड़ा सा ब्लश ऑन ऐड करूँगी, वो भी आप थोड़ा कोरल शेड में ही ले लीजिए। ये था मेरा सिंपल सा लुक जो आप बहुत फास्टली कर सकते हैं 10 मिनट्स में। ओवर ये हो जाएगा पूरा लुक आप देख रहे हैं जैसे कि। तो या यही था मेरा आज का लुक, या यही था मेरा सिंपल सा 10 मिनट वाला मेकअप। होप आप सबको पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर पसंद नहीं भी आया तो कमेंट करिए, शेयर करिए प्लीज़। ओके देन, टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।